नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए भोग, जो कि नौमी अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है तो चढ़ता है, तो कन्या पूजन में भी चढ़ता है। कन्या पूजन जब होती है तो कन्या को भी खिलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर हलवा बनाया है, और क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं ऐसे ही मखाना डाल रही हूँ। आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं। और अभी मैं हलवा, पूरी और चना का भोग लगाऊंगी, जो कि देसी चना होता है, लाल वाला। उसे हम लोग पानी में भिगो देते हैं रात को, और फिर सुबह उसे छान कर अच्छी तरह से धुलकर एक सीटी लगा देते हैं। और मैं सादा ही चना चढ़ाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाती हूँ, क्योंकि माँ का जो भोग होता है उसे सादा ही करना चाहिए और ठंडा होने पे ही चढ़ाना चाहिए। तो हलवा मैं सादा ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम भी नहीं करती हूँ, और चने को मैं बिल्कुल सादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं और हलवा बना लिया है। इस हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, बहुत ही स्वादिष्ट और यमी बनता है। तो आज का मेरा ये भोग है, और इसमें मैं कुछ मीठा रखूँगी, तो मीठे में आप चाहे लड्डू या पेड़ा कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने कन्या पूजन एक दिन पहले ही कर लिया था, और आज मैं नौमी का पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी, हलवा और चना रखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा लड्डू रखूँगी, और मिश्री, छोटी इलायची जो होती है, सॉरी मिश्री रखूँगी, और इलायची दाना जो होता है वो रखूँगी, बताशा रखूँगी, और मूंगफली भी रखूँगी। कच्ची मूंगफली मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे, पकी हुई मूंगफली नहीं यूज़ करती हूँ, यानी कि जो भून करके लाते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये तो ये सारा मेरा भोग का जो है, मेरे भोग की थाली है, तो ये मैं माता रानी को अर्पित करती हूँ, और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी को खाने पीने की सुविधा दे, किसी को भी भूखा ना रखे, सबको सुख शांति प्रदान करे। ऐसी मनोकामना के साथ मैं ये भोग उन्हें अर्पित करती हूँ। और पहले तो मैं ऐसे ही 9 जगह लगा करके 9 देवियों को, या जितने भी घर में आपके आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, सबके लिए अलग से निकाल करके मैं भोग आप रख लीजिए। मैं तो रखती हूँ इसी तरह, क्योंकि ऐसे में ये होता है ना कि एक ही जगह, जैसी क्षमता हो वैसे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 9 जगह लगाइए, लेकिन अगर आपकी क्षमता है, अगर आप कर सकते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर करें। तो आज का दिन ही ऐसा होता है कि 9 दिन की समाप्ति होती है, तो माता रानी का ये होता है कि मन में कि माँ जा रही हैं, पर माँ जाती कहीं नहीं है, माँ तो हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।